तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए यह आपका होगा हिंदी का पहला टेस्ट, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है विपरीतार्थक का, तो इसका मतलब होता है विलोम शब्द। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी अवास्तविक। तो वास्तविक का विलोम शब्द हो जाएगा अवास्तविक। अगला है निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी नी उपसर्ग। आपको दोस्तों सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताना है। अगला है नियोग में, नियोग में कौन सा समास है, तो नियोग में समास हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला है पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पुनर्विवाह का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी पुनाधन विवाह। नेक्स्ट है अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो अल्पायु का हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घायु। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है प्राण का विपरीतार्थक शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द क्या होता है प्राण का, तो वो होता है ऑप्शन डी निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए पिस्तौल। अगला है सजाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सजावट। अगला है सेब में मिठास है, इस वाक्य में जो मिठास है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन पूछता है दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑप्शन बी तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। अगला है जवाहर, जवाहर जो होता है वो किस भाषा का जो मूल शब्द है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरबी भाषा का मूल शब्द है जवाहर। अगला है उत्थान लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा, तो कौन सा शब्द होगा, ऑप्शन ए उल्लंघन। नेक्स्ट है निशांत जो है दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, तो इसमें कर्म नहीं है, केवल निशांत दौड़ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला है हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है, तो ऑप्शन बी अपादान, क्योंकि हिमालय से आया ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अपादान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है, तो सागर का पर्याय क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्णव। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी या और हुआ, या कामा हुआ, इनको क्या कहा जाता है अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन सी जलमय में पन प्रत्यय नहीं है, बचपन में पन प्रत्यय है, अपनापन में भी है, लड़कपन में भी पन प्रत्यय आ रहा है, लेकिन जलमय में पन प्रत्यय नहीं है। अगला है अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन बी उपयोगी। अगला है
महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास, तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल जो हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गाइस अगला क्वेश्चन बनता है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या है? तो ऑप्शन ए संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतुष्टि मिलना या संतोष होना। अगला है सब धन बाईस पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब देखिए क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन है रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ये आपका वाक्य का शुद्ध रूप है। बाकी के ए सी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला है वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ये आपका शुद्ध रूप। बाकी के जो तीन हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। अगला है मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा गीत गाया, इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं, ना कि बी सी और डी की तरह। अगला क्वेश्चन बनता है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए निराला, या कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। पूरा नाम इनका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। अगला है 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना जो की है वो की है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है शोक विकल सब रोवहि रानी रूपशील बल तेज वखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये देखिए पंक्ति यहाँ पे बिलाप आ रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा। ऑप्शन सी करुण रस, उदासी छाई हुई है। अगला है जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो कांचे घट जिमी डारो फोरी सकौ मेरु मूसक जिमी तोरी। इसमें कौन सा रस है? यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो गाइस थोड़ा सा इसमें डर का भाई भाव है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर बी रस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड को उठाने की बात हो रही, तो यहाँ पर बी रस हो जाएगा। अगला है खद्दर कुर्ता भक भकों नेता जैसी चाल यही बालक मोमन बसों सदा बिहारी लाल। इन पंक्तियों में उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हास्य रस, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो बात सेंटेंस है इसमें हंसी दिख रही है, मजाक लेकर दिख रहा है। अगला है इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वाक्य बताना, सही शब्द बताना कौन सा है? तो ऑप्शन बी जर्जरित। जर्जरित को ऐसे लिखा जाता, ना कि ए सी और डी की तरह। अगला संघ की भाषा हिंदी और दिल्लीपी देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? तो ऑप्शन बी 343। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो गाइस आकाशगंगा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी ये सभी मंदाकिनी होगा, सुर नदी और स्वर्ग नदी।
अगला है धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो ऑप्शन डी अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो गाइस ये कहलाता है ऑप्शन डी अनावृष्टि। अनावृष्टि को कहलाता है बरसात जब बिल्कुल नहीं होती। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, तो उज्ज्वल में उपसर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए उत उपसर्ग, उत उपसर्ग। अगला गाइस क्वेश्चन है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन बी उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है उपासना में। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो ऑप्शन ए में भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है, लेकिन परमेश्वर महाजन और पीताम्बर में कर्मधारय समास है। मनोहर में कौन सी संधि है, तो मनोहर में संधि हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन ए समधनतोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, तो प्रत्येक जो है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। त्रिभुज में कौन सा समास होता है, तो त्रिभुज में समास होता ऑप्शन ए द्विगु समास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन डी घोड़ा, लेकिन सूर्य पक्षी और कीट ये होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।